नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक और नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं आप लोगों के पास। और आज हम लोग शुरू करने से पहले आपसे एक ही चीज़ कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वी हैव ऑफिशियली क्रॉस 2900 सब्सक्राइबर्स। क्या पता जब इस वीडियो को देख रहे 2910 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। सोशल ब्लेड में मैं जब देख रहा था तो हमारा कह रहा था कि प्रोजेक्शंस है कि हम अगस्त में 3000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे। कुछ भी क्या चल रहा है कि नहीं, मतलब कुछ भी सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 सब्सक्राइब कर दिया। ओके गुड, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, इतने सपोर्ट आप लोग की हो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो ऑन योर फेवरेट पार्ट। और हम मिलते हैं आपसे एक और नए और ज़बरदस्त वीडियो। वो बहुत दिन नहीं बोला था इसीलिए इंट्रो भूल गया था, बहुत दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ना, इस पार्ट को कट कर देना। आज हम लोग बात करने वाले हैं माउस के बारे में। हाँ, माउस के बारे में। अरे ये वाला माउस नहीं, ये वाला माउस के बारे में बात करने वाले हैं। एक नहीं, ये वाला माउस नहीं सॉरी। हम लोग बात करने वाले हैं वो लैपटॉप में जो माउस यूज़ करते हैं, ये वाला माउस नहीं जो आप वॉल्ट डिज्नी के पिक्चर्स में देखते हो या आपके फ्लैट के नीचे या रास्ते में आप जो देखते हो, वो वाला नहीं। हम लोग बात करने वाले लैपटॉप के माउस के बारे में। और इस वीडियो में इतने सारे दिन से आपको लगा होगा कि हम कुछ नहीं किए हैं, वी हैव नॉट डन एनीथिंग। मैं तो जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, हम बैठे हुए थे, कुछ नहीं किए थे, बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो सब कर रहे थे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ द बेस्ट माउसेस एवर, और अलग अलग प्राइस रेंज में हम आपको अलग अलग माउस बताएंगे जो आप इजीली अवेलेबल है और आप बहुत ही अच्छे डील्स में ये सब कुछ को ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। ये वाले इंट्रो क्यों लगा रहे हो यार, हमारा वाला इंट्रो लगाओ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। So, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 माउसेस के बारे में। अलग अलग प्राइस रेंज में हम आपको टॉप 3 माउसेस बताएंगे और उसमें से एक माउस का हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि बाकी दो क्यों खरीदे। नहीं, आप बोलो क्यों खरीदे, हमारे पास जो हमें सबसे अच्छा लगेगा वो हम बाय करेंगे। एंड सबसे नंबर 3 में आ जाता है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम ऑप्टिकल यूएसबी गेमिंग माउस विथ एलईडी इफेक्ट ब्लैक। वाह क्या सीन है। फिर इस माउस दोस्तों, ये वाला माउस मुझे अच्छा लगा है क्योंकि एंड आई हैव इंक्लूडेड इन द लिस्ट, बहुत सारे और भी इसके कंपटीटर्स थे और ये वाला प्राइस कैटेगरी माउस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इट हैज़ गॉट दैट नाइस लाइट, वेरी लाइट वेट एंड वेरी कम्फर्टेबल। और इसको जब आप हाथ में रखते हो ना, देन यू कैन फील दैट इट्स अ माउस। और इसका जो आर्म रेस्ट है सब कुछ मतलब देख के बनाया गया है। बट इसका ओनली ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ 6 बटन है, 8 बटन्स नहीं है। और इसका कॉस्ट पड़ जाता है 400 अगर आप इसको लाइटनिंग डील में पाते हो, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत कम लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं, ये लाइटनिंग डील से कैसे लेते हैं। तो हम भी थे, हम इसके 30 साल का कोर्स किए थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और रेगुलर प्राइस आ जाता है इसका 448 रुपीज़, मतलब 450 से 500 के अंदर आ जाता है इसका कॉस्ट। जैसे वो दुकानदार सोचता है तो वैसे वो कॉस्ट रखता है बेस्ड ऑन सेल, उन लोग भी बहुत चालाक है, समझ रहे हो आप। फिर अगला आ जाता है रेड गियर A15 वायर्ड गेमिंग माउस विद RGB सेमी हनीकॉम डिज़ाइन एंड अप टू 6400 DPI फॉर विंडोज PC गेमर्स। एक गाना हम बना सकते हैं इसके ऊपर। और इसका कॉस्ट पड़ जाता है 599। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका 6400 DPI, जिन लोग को पता नहीं कि DPI क्या है, हम है ना, आपका भाई है। DPI जितना ज़्यादा होगा उतना माउस का फिजिकल डिस्टेंस होगा। अभी आप पूछोगे फिजिकल डिस्टेंस क्या है, फिजिकल डिस्टेंस ये है कि जितना मेजरमेंट ऑफ स्पीड
एट विच द माउस कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन। आपको तो ये भी पता नहीं चलेगा, बट अगर आपका लैपटॉप में कुछ ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट है, जैसे 144Hz, जैसे 160Hz, तो तभी आपको समझ आएगा कि एक नॉर्मल माउस जिसका 5000 DPI और एक नॉर्मल माउस जिसका 6400 DPI है, तो आपको उसका डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चलेगा। एंड लो DPI है तो मूव माउस को आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको फ्लिकरिंग करेगा थोड़ा सा, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, पर उतना ज़्यादा आपको आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपका लैपटॉप रिफ्रेश रेट हाई होगा। फिर अगले चीज़ के बारे में बात करते हैं, रेड गियर और ये ज़ेब्रोनिक्स का बेसिकली ये वैसा ही है। और फिर हम लोग, मैं जो बाइक हूँ वो है ज़ेब्रोनिक्स का प्रीमियम गेमिंग माउस है, जिसका नाम थोड़ा बहुत कम है और अच्छा पैकेजिंग है, आप देख सकते हो, पर यहाँ पे कट गया है कैसे पता नहीं। पीछे माउस का कुछ बहुत सारे डिटेल्स आ जाते हैं एंड मैं नहीं पढ़ता, आप पढ़ लीजिए। फिर इसको निकालते हैं पैकेजिंग से, बहुत अच्छा पैकेजिंग है, प्रीमियम क्वालिटी है। और फिर इसको रखते हैं साइड में, यहाँ पे सब कुछ माउस का इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया, तो कभी अगर आप माउस को खोलना भी चाहते हो तो आप इजीली खोल के देख सकते हो। सो यस, इट्स नाइस। और ये है मेन माउस हमारा, और हाँ ऐसे हम कुछ अटैच नहीं किए क्योंकि हम इसको पहले यूज़ भी कर चुके हैं, तो फिर यूज़ करने के बाद हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। अभी गिर जा रहा था, तो ये इट्स लॉन्ग केबल, बहुत लंबा केबल है, 2 फीट का मुझे लगता है। और ये है मेन माउस, जस्ट लुक एट दैट, मतलब इसका जब आप हाथ में लेते हो इट फील सो कम्फर्टेबल। और पीछे थोड़ा बहुत वो जो मेन प्लास्टिक कवरिंग है वो हट गया क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको बोले हम इसको यूज़ कर रहे हैं फिर हम रिव्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ हम बिना यूज़ करके क्यों रिव्यू करें। सो नाउ लेट्स प्लग इट इन, लुक एट दैट कलर, जस्ट लुक एट दैट, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम, बहुत 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 प्रीमियम लग रहा है ये वाला कलर। एंड इसमें आ जाता है 8 बटन्स, ये प्लस माइनस सभी तरह के बटन्स है, और आप एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो कि कैसे इसको एडिट करते हैं, इसका एक डेडिकेटेड ऐप है विंडोज़ में, तो जब आप उसको इंस्टॉल करोगे देन इजीली यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर द माउस बटन, एंड ईच एंड एवरी माउस बटन इज़ कॉन्फ़िगरेबल, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, सो इट्स रियली रियली नाइस। और माउस स्क्रोल व्हील सभी कुछ बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल ये वाला माउस दोस्तों सबसे अच्छा माउस है, एंड इसका जो कॉस्ट है हमें जो पड़ा है इसका कॉस्ट कुछ लगभग 16,000-15,000 के अंदर हमें पड़ा है। इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 1800, तो अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो 1800 में मिलेगा, और अगर आप इसको ऑफलाइन स्टोर्स में लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको रेट कम मिलेंगे, और हमें कम मिला क्योंकि हम हैं, इसीलिए हमें कम मिला, हम इसको दास इनपुटेक से लिए हैं। तो अगर आप दास इनपुटेक से लेना चाहते हो तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए वहाँ पे। सो या माउस इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का है माउस, एंड इट्स ड्यूरेबल, मतलब देख के लगता है कि ये ड्यूरेबल है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ टूट नहीं रहा है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करेंगे, या वेरी नाइस। और इसमें पीछे एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड बटन आ जाता है, इसके लिए सिर्फ लाइट ऑफ होता है और एक सिंगल कलर ग्लो होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, अच्छा है, रियली रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। अगर आपको एक अच्छा गेमिंग माउस चाहिए जो कि बहुत सालों तक टिकेगा देन यू कैन लुक एट दिस, और अगर आपको एक नॉर्मल चीप कॉस्ट में चाहना है तो देन यू कैन लुक फॉर ज़ेब्रोनिक्स Z100, और उससे भी अगर आपको एक मिडिल में, सबका मिडिल में अगर चाहिए तो रेड गियर का A15 ले सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब कर दीजिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप टेकिंग।